मुझे ये जर्सी बुरी नहीं लग रही लेकिन इसमें बंदा दिखता नहीं है। हर बार एक नया डिजाइन आ जाएगा, इट्स रियली गुड डिजाइन। आप यहाँ पे मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में खड़े हैं, जर्सी जैसी मर्जी तो वही तो है ना, मिस इंडिया के, हम मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में नहीं, वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में खड़े हैं। ये बोल रहे हैं कि जर्सी पहनने में मजा आएगा एज अ फैन किसी को, जर्सी देखने में कैसी लग रही है, नहीं पूछ रहे परफॉर्मेंस। देखने में तो बढ़िया, देखने में तो मुझे भी बढ़िया लग रही है। और ये दिखाओ बेटा फुल स्क्रीन में, एक बार देख लूं मैं भी, देखा दिखा नहीं। इसमें अलग क्या है वैसे, सेम ही तो है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो भी है, लेकिन डार्किश ग्रीन ज्यादा लगा है मुझे यार, इनका लाइट ग्रीन बेटर लगता है, पता नहीं क्यों ऑलवेज। जो वापस आना जरा टू विंडो में आना, अभी की जर्सी है मतलब, मुझे जो लाइट जर्सी थी ना, आप पता कौन सी वाली, 92 वाली जर्सी, और आप खुश भी होंगे कि उस टाइम आप वर्ल्ड कप जीते भी थे। नहीं 2015 वाली भी सेम ही थी यार। हाँ, तो जब लाइटेश कलर, जो ये फ्लोरोसेंट वाला कलर टाइप का है ना, जब ये पूरी जर्सी होती ना, ये वाला यार लश्कारे मारती है वो जर्सी, आदमी खेल के आता है उसमें, थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाती है, उसमें मजा आता है। खैर ऑल द बेस्ट टू यू। अच्छा, 4 और 5 नंबर कॉम्बिनेशन बोल रहा है सोहेल भाई ने, तो वो दिखाना जरा मुझे, 4 और 5 नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा था। अच्छा खैर एक सेकेंड रुक जाइए, आप भी इनकी जर्सी पे क्या बोलना चाहते हैं भाई, बता दीजिए। ठीक है, मतलब ठीक है, बेटर है, मतलब इतनी गंदी भैड़ी शक्ल बना के ठीक है बोला, इतनी भैड़ी शक्ल बना के क्यों बोला, जैसी के चलो जैसा मर्जी, जैसी जैसी मर्जी है, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। डिजाइन जो इन्होंने नए डिजाइन निकाले हैं, ये मुझे काफी ज्यादा नया टेक्सचर जो दिख रहा है, वो टेक्सचर नहीं है ध्यान से, जो उनके पीसीबी के लोगों का सितारा है ना, वो सितारा उन्होंने बैकग्राउंड पे दे दिया, और उसको पहले ग्रीन के डार्क शेड्स में झंडा ऊपर डाल दिया, झंडा ऊपर डाल दिया, तारा नीचे आ गया, पाकिस्तान ठीक है, बेसिक है, और जो ये वाला कट है वी में वो भी ठीक लग रहा है, बट यार मुझे तो वो लाइट ग्रीन वाली, जैसे ये वाला है ना फ्लोरोसेंट टाइप, ये तो येलोइश ज्यादा हो गया, ग्रीनिश में मुझे तो वही पसंद आया। 2012 में जो एशिया कप में इनकी जर्सी थी ना, थोड़ी बहुत उसी तरीके से, हाँ मुझे तो कसम से भाई वही पसंद आती थी, फ्लोरोसेंट वाली लाइटिश ग्रीनिश। विकी का भी आया कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा, इमरान खान के जमाने वाली, इमरान खान के जमाने भाई, तभी तो जीते थे, तभी तो जीते थे। अच्छा एक मैं इसमें आपको एक एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगा क्या होता है। अरे आपने कल आएंगी एस्ट्रोलॉजर भाई, आपने भारी डिमांड करी थी कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो कल एस्ट्रोलॉजर को बुलाएंगे और उनसे ही पूछवाएंगे कि कौन जीतने वाला है इंडिया पाकिस्तान उनके हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि जो जुपिटर ग्रह है, गुरु का कलर होता है येलो, तो वो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देता है। ऑस्ट्रेलिया की जर्सी क्या है, येलो, हर दूसरे साल जीतते हैं, हर दूसरे साल जीतते हैं, ज्यादा वही जीते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, काला किसका कलर है, न्यूजीलैंड, शनि देव का ग्रह है, शनि देव का कलर है, हर बार आते आते हार जाते हैं, कभी भी देख लो, इतनी अच्छी टीम होगी कभी नहीं जीतेगी, हार जाती है। वो वहां पहुंच गए फाइनल में, बेन स्टोक्स का बैट लग गया, सुपर ओवर में इक्वल हो गया, फिर भी हार गए। ऐसे में नीला किसका कलर, नीला ऑल्सो वेरी वेरी गुड, नीला इज ऑस्पिशियस, इवन ग्रीन का जब फ्लोरोसेंट टाइप का आता है ना, जब येलोइश आता है उसमें से, जो 92 में था, तो ब्लेसिंग देता है। एस्ट्रोलॉजी नीला तो श्रीलंका का भी है, तो भाई जीते हुए वो श्रीलंका, इतना सा नेशन मसले हजार, 96 वर्ल्ड कप में टीम्स पता है, पाकिस्तान की टीम देख लो जाके, इंडिया की टीम देख लो जाके, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सब की देख लो आप जाके, उसमें से श्रीलंका जीत गई, सोचो आप कितनी बड़ी बात है। जी विकी जेम्स बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल पाकिस्तान जर्सी, कैन 50 ओवर मैच बिकम 20 ओवर्स इफ इट रेन्स, भाई हाथ जड़वा, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, देखो T20 नहीं देखना भाई, मेरे को T20 नहीं देखना, मेरे को तुक्का वाला क्रिकेट नहीं देखना कि आज जी आपके आड़े टेढ़े खब्बे लग गए तो आप मैच जीत गए, क्वालिटी क्रिकेट के वो 4 ओवर 3 ओवर नवाज ने मार दिया तो आप जीत गए, वो नहीं मुझे देखना, मुझे देखना प्रॉपर 50 ओवर की क्रिकेट, ऊपर भी जाए नीचे भी आए, थोड़ा तुम भी एडवांटेज लो, हम भी वापस खींचे गेम को, वो आता है मजा यार, वो एपिक एनकाउंटर्स जो है ना ओडीआई क्रिकेट में, वो चाहिए मुझे। तो विकी जेम्स भाई 20 ओवर मत करवा यार, 50 ओवर करवा, 20 ओवर पाकिस्तान की जर्सी। चलो जी, आप लोग बड़े बोल रहे थे कि पाकिस्तान की जो न्यू जर्सी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एक बार दिखा दो जी जर्सी, पहले भी बात करी थी, इस बार भी दिखा दो जर्सी, और मैं देख रहा हूँ कि 2000 के आसपास लोग हमारे साथ हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैरी को, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बेटा एक बार फुल स्क्रीन पे दिखाना जरा, पाकिस्तान की नई जर्सी आई है, आज लॉन्च भी हुई है, और सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। अब आप ये देख लीजिए जरा, अच्छा इसको और जूम करेगा ना, लक्षित ने दिखाया मुझे कि जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है, बिकॉज इंडिया में ही होना है ना, तो कमाल की बात है कि जर्सी पे इंडिया छप गया है, वेरी गुड। ये देखिए, इससे ज्यादा दोस्ती की बात क्या होगी, थोड़ा जूम आउट करिएगा,
मैं पहले भी बोल रहा था, देखो मेरे को पर्सनली ये इतनी डार्क वाली जर्सी पसंद नहीं है, मेरे को लाइट ग्रीन जो कलर है ना पाकिस्तान का जो 92 वाला कलर था मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। जो लाइट ग्रीन वाले लश्कारे जो मार रही होती है जर्सी, जैसे ये भी ग्रीनिश येलोइश बोल सकते हैं फ्लोरोसेंट, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन, वो वाली जर्सी मुझे ज्यादा पसंद आती है। ये ना थोड़ी ब्लैकिश उसमें चली जाती मुझे है। सर पाकिस्तान की नहीं, मैं इंडिया की भी बात करूंगा, जो 2007 में थी ना हाँ। इंडिया का स्काई ब्लू वाला कलर, पाकिस्तान का भी अच्छा थोड़ा सा पैरट ग्रीन जिसे आप कहते हैं, थोड़ा सा वो वाला कलर, वो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। वो मतलब एक इमोशन था क्योंकि उसी उम्र से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया था, तो मेरे माइंड में पहली सेंस ही वही है, इंडिया की स्काई ब्लू वाली जर्सी। हालांकि ये जर्सी भी उतनी खराब नहीं है, और खासकर वो जो नीचे का जो डिजाइन है ना वो मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीज जो इन्होंने बदला है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। नहीं मेरे को तो यार ओवरऑल अच्छी लग रही है, मैंने वो डिजाइन के बारे में भी आपको बताया। अभी लेते हैं सुपर जैक ले रहे हैं जर्सी के बारे में, आपको अच्छी है तो ठीक है, और पाकिस्तान का तो हमेशा से कलर वही रहा है। अगर आप अगर ये हमने पॉइंट नोट आउट किया है ना कि भाई पाकिस्तान की जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया की जर्सी पे भी पाकिस्तान लिखा होगा, पर जब आपकी एशिया कप की जर्सी आएगी बिकॉज दैट इज इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो वो दोनों आपके लिए वहां पर मेंशन होंगे, तब इंडिया की जर्सी वो देख लेंगे जरूर। सही बात है, लेकिन मैं इस जर्सी को दूंगा 10 में से 7 नंबर, आप कितने देंगे? 10 में से 8 बिकॉज ऑफ आपको वही डिजाइन इतना पसंद आ गया, उसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है वहाँ पे। अच्छा जी कोबरा पे वो अच्छा है। मैं दूंगा 6.8 मैं आपकी ठुड्डी पे गोड्डा मार दूंगा अगर आपने फालतू की बातें करी, एक सही से दीजिए 7 दीजिए ना फिर 6.8 क्या होगा? 7 लक्षित 8 जो सितारा है वही बनाया हुआ ना, जो इनका टेक्सचर जो आप बात कर रहे हैं वो स्टार है, ऊपर से देख लीजिए जो स्टार इनका पाकिस्तान क्रिकेट का भी टॉप राइट में जो स्टार है वही बना हुआ है ना, वही बना है, तो इन्होंने वही स्टार बना दिया। ऊपर ऊपर थोड़ा लाइटिश है, नीचे थोड़ा सा फ्लोरोसेंट ग्रीन जिस टाइप की मैं जर्सी मांग रहा था वही है, और ऊपर ऑब्वियसली सितारा आ गया इनका जो क्रिकेट बोर्ड का सिंबल है, और उसके ऊपर इनका झंडा आ गया जो नेशनल नेशन का झंडा है। जर्सी को क्या लेके जाना यार, जर्सी जो मर्जी डालो, भला वाइट डाल के खेलो भला ये रंग डाल के खेलो, परफॉर्मेंस मैटर करती है, किस जर्सी में कैसी परफॉर्मेंस आई फिर वही जर्सी अमर हो जाएगी। हम 2011 की जर्सी अमर है ना हमारे माइंड में, उसके बाद इंडिया की 25 जर्सी आगे चली गई, किसके ऊपर किसके ऊपर क्या था पर याद था, और 11 वाली 83 वाली है, चलो आपका वाइट हम पर ये हरा रंग डाला, मेरे को ओवरऑल मार डाला बस मेरे को ओवरऑल ठीक ठीक लगी, एवरेज इतनी ज्यादा बेहतर नहीं, बट इनको बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए आपकी जर्सी के बारे में बात कर लिए।